ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। क्या हुआ? सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है। अब तुम लोगों को सीख भी लेना चाहिए सेवा करना, क्योंकि इस विवाह के बाद तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई और तुम्हें यही सब कुछ तो करना है। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया है कि अशोक और कौरवकी के विवाह के पश्चात वो और उनका पूरा परिवार मेरे अधीन हो जाएगा, दास बन जाओगे तुम सब मेरे। मेरी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम सबको एक कारागार में डाल दूं, और ऐसा ही होगा। मैं मगध के सिंहासन पर राज करूंगा और तुम सब मेरे दास। रुक जाइए अशोक भैया। चाहता था विट ने कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो विट? किसने कहा तुमसे ऐसा? कौरव की भाभी के पिताजी ने। राजा चक्रनाथ जी? ऐसा घृणित विचार आपके मन में आया भी कैसे? हमारी मातृभूमि हमारी आत्मा है और हम अपनी आत्मा का व्यापार नहीं करते। ये भूमि तुम्हारी आत्मा हो भी सकती है अशोक, परंतु तेरे पिता बिंदुसार की तो नहीं। राजा जगन्नाथ, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि आप इस शनपाटलिपुत्र में मगध की भूमि पर हैं। आप मगध के राजा के साथ आक्षेप स्वीकार नहीं। यदि आप किसी और स्थान पर होते तो आप एक शब्द बोलने के लिए जीवित नहीं रहते। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए। देखो, इसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं संधि के तुम्हारे पिता ने। देखो इसे। क्या यह सत्य है कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए मगध की भूमि को दांव पर लगा दिया? हाँ या ना? और आप सब जानती थी, इसीलिए आप विचलित भी थी। कितनी बार मैंने आपसे पूछा कि मां क्या हुआ, किंतु आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे कहने वाली थी, सब कुछ बता देने वाली थी, किंतु तू क्या मां? किस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी आप? कब बताती आप मुझे? आपको स्मरण नहीं था कि मेरे लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अपने देश प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मां और मातृभूमि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
नहीं कौरव की। अब ये बात एक पिता और पुत्री तक सीमित नहीं है। किसी भी शासक को अपने अहंकार के लिए सैकड़ों लोगों के जीवन को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों? काकी, काकी अशोक को कॉल करके विवाह नहीं होने देना चाहती थी। कहीं वो लोग विलग तो नहीं हो गए? मुझे जाकर देखना होगा। इस मौर्य वंशी परिवार में सदस्य आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें स्वीकार करेंगे? तुम तो बाहर वाली हो गर्भकी, बाहर वाली। यहाँ भाई भाई आपस में लड़ते, पिता अपने पुत्र को देश निकाला दे देता है। पिता माही अपनी झूठी मृत्यु के लिए अपने पुत्र को दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचती है। एक अयोग्य राजा के नाक के नीचे प्रजा को 10 वर्ष तक लूटा जाता है। किसके द्वारा? एक वृद्ध स्त्री के द्वारा, जिसने अपने ही हाथों से अपने पुत्र को मार दिया। ऐसी प्रतिष्ठा है इस साम्राज्य की। मौर्य वंशियों के इतने बड़े इतिहास में इन्होंने क्या साबित किया, क्या उदाहरण पेश किया प्रजा के सामने कि ये एक कलंकित साम्राज्य है। और एक इनका दुर्बल राजा, ऐसा राजा जो जुकान का इतना कच्चा है कि उसका पुत्र और उसकी पत्नी उसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नृत्य कराते हैं। पर वो कुछ नहीं कर पाता। आश्चर्य तो तब होता है कि धर्मा जैसी एक साधारण स्त्री ने अपनी चतुराई से एक राजवंशी से विवाह कर लिया और उसने सुनिश्चित किया कि उसका पति उसके पुत्र के लिए इतना पक्ष लेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा, उसी को राज सिंहासन दिया जाए। पिता के हृदय में इतना प्यार जगाने के लिए, इतना प्यार जगाने के लिए तुम्हारी मां ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। अशोक, सब समझ कर तुम मेरे पिता ये विवाह होने नहीं देना चाहते। यदि मेरे पिता में दोष तो तुम भी दोष मुक्त नहीं हो। शो जो व्यक्ति अपने क्रोध पे संतुलन नहीं रखता वो अखंड भारत का निर्माण क्या करेगा? वर्षों पहले तुमने अपने क्रोध के कारण सब कुछ खो दिया था, अपना पूरा परिवार, यहाँ तक कि अपना स्वप्न भी। फिर तुमने कुछ नहीं सीखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तुम में। तुम चंड थे, चंड हो और चंड ही रहोगे। कोई भी कन्या तुमसे विवाह करना नहीं चाहेगी। अशोक, है कोई तो लाओ मेरे सामने।
चंड हूं ना मैं, चंड हूं ना। अब मैं तुम्हें चंड होने का प्रमाण देता हूं। जिस विवाह के लिए मेरे माता पिता ने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया, जिस विवाह के लिए इन्होंने मेरी मातृभूमि को दांव पर लगा, जिस विवाह के लिए इन्होंने अपनी प्रसन्नता को अपने जीवन को दांव पर लगा, उस पुत्र का विवाह होगा, अवश्य होगा और इसी क्षण होगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? साधु बाबा की भविष्यवाणी जो तुमने आधी सुनी थी पहले वो पूरी सुन। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा, वहां संग्राम होगा। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है देवी, इसलिए तुम मेरी सहायता करने के लिए बाध्य हो। वो अपने प्राण दे दे पर तुमसे विवाह नहीं करे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की खासगी का स्थान ले सकती है। तुम वो तुम ही हो जिसे अशोक के साथ होना चाहिए। मुझसे विवाह करोगी देवी? मैं कैसे अशोक? तुम तो कौतकी से प्रेम करते हो ना। पंडित जी मंत्र आरंभ कीजिए।